हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक सब कुछ चैनल। दोस्तों, पोको ने आज फिर से एक और रीब्रांडेड फोन को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, पोको M2। हालांकि ये सेम फोन रेडमी 9 प्राइम के नाम से पहले ही इंडिया में मिल रहा है, जिसमें कि हमें 4GB रैम देखने को मिलती है और अब पोको M2 में हमें 6GB रैम देखने को मिलती है। अगर इस फोन की कीमत की बात की जाए तो ये फोन 10,999 रुपए से स्टार्ट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोको M2 के सभी स्पेसिफिकेशन के बारे में और क्या ये फोन आप लोगों को लेना चाहिए, और कंपेयर करेंगे रियलमी नार्जो 10 और रेडमी 9 प्राइम से। इसलिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, को एंड तक जरूर से देखें। और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। सो गाइस, पोको कंपनी सबसे ज्यादा रीब्रांडेड फोन लॉन्च करती है। पोको के सभी फोन चाइना में या फिर किसी और कंट्री में पहले ही लॉन्च किए जा चुके होते हैं, उसके बाद ये इंडिया में लॉन्च करती है। पोको M2 के स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इस फोन में हमें 6.5 इंच का एक फुल HD+ डिस्प्ले मिलता है, जिसमें की वाटर प्रूफ नॉच दी गई है और इसके फ्रंट में प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। वहीं इसके बैक में पॉलीकार्बोनेट बॉडी दी गई है, जो कि सेम रेडमी 9 प्राइम वाला डिजाइन है, जिसमें की सर्कल शेप में क्वाड कैमरा सेटअप विद फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाते हैं, जिसमें कि ब्लैक, ब्लू और रेड कलर ऑप्शन दिए गए हैं। बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस की तो इसमें हमें मीडियाटेक हेलियो G80 प्रोसेसर मिलता है, जो कि गेमिंग के लिए काफी अच्छा चिपसेट है। वहीं ये प्रोसेसर 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक है और 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो इस फोन से आप डेली टास्क, मल्टीटास्किंग, गेमिंग सब इजिली कर पाएंगे और यही सेम प्रोसेसर रियलमी नार्जो 10 एंड रेडमी 9 प्राइम में भी मिलता है। इसके अलावा इस फोन में हमें LPDDR4X रैम विद EMMC वाली स्टोरेज दी गई है, जिसमें 6+64GB और 6+128GB स्टोरेज मिल जाती है। तो मिनिमम 6GB रैम इस फोन को काफी पावरफुल बना देगी, और वैसे भी आप पबजी जैसे गेम तो इंडिया में बैन हो चुके हैं, तो इतनी ज्यादा रैम का क्या करेंगे, बताना मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जो पबजी लवर है। इसके अलावा ये फोन एंड्रॉइड 10 विद पोको लॉन्चर पर मिलता है, जिसमें कि कंपनी क्लेम करती है कि अब इनके UI में एड्स देखने को नहीं मिलते। अब बात करें इस फोन के कैमरा की तो यहाँ पर हमें सेम वही कैमरा सेटअप मिलता है जो कि रेडमी 9 प्राइम में दिया गया है। 13 MP का प्राइमरी लेंस, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 5 MP का मैक्रो और 2 MP का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। वहीं इसके फ्रंट में 8 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो ओवरऑल कैमरा इस फोन में बजट के अकॉर्डिंग काफी अच्छे मिलते हैं, बट सेल्फी कैमरा से कम 13 MP का तो होना चाहिए था। बात करें इस फोन के बैटरी की तो यहाँ पर इसमें हमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है विद 18W फास्ट चार्जिंग के साथ में। वहीं ये फोन दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, 6+64GB जो कि 10,999 रुपए में आता है, और 6+128GB जो कि 12,500 रुपए में लॉन्च किया गया है। तो इस फोन में 6+128GB वेरिएंट को काफी ज्यादा ओवर प्राइस है। इस प्राइस में हमें और भी काफी अच्छे अच्छे फोन है जो कि मार्केट में इस टाइम पर मिल रहे हैं। वहीं ये फोन रियलमी नार्जो 10 के कॉम्पिटिशन में लॉन्च किया गया है। तो रियलमी नार्जो 10 में हमें सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी जो कि पोको M2 में मिलती है, जबकि रियलमी में हमें काफी अच्छा कैमरा देखने को मिलता है। वहीं रेडमी 9 प्राइम इस टाइम पर एक वैल्यू फॉर मनी फोन है, और अगर आपको कैमरा अच्छा चाहिए तो रियलमी नार्जो 10 काफी अच्छा फोन है, बट इसमें हमें फुल HD+ डिस्प्ले नहीं मिलते। इसके अलावा रेडमी 9 प्राइम, पोको M2 में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, सब कुछ सेम मिलता है सिवाय इनके रैम और स्टोरेज वेरिएंट के। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन कौन सा लगा इनमें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी नई वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।